हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। आप देख रहे हो राघव एकॉस्टिक्स नारायणगढ़ के चैनल पे एक और नई वीडियो और एक नए प्रोडक्ट के साथ। हालांकि ये प्रोडक्ट बड़ा पुराना है बट हमारे चैनल पे बिल्कुल नया है, बिकॉज कई कस्टमर्स की बड़े दिन से बड़ी ज़्यादा डिमांड थी कि इस पार्टिकुलर मॉडल के मैक्सिमो 6 MK2 मॉडल के ऊपर, जो कि कॉम्पोनेंट स्पीकर है, इसका डिटेल्ड रिव्यू प्लस अनबॉक्सिंग हमारे लिए लेके आओ और हमें दिखाओ ये कैसा दिखता है। बिकॉज बहुत से कस्टमर्स हैं जो दूर बैठे हैं, उनके एरियाज में ये अवेलेबल नहीं है तो उनको देखने को नहीं मिल पाते। तो आज हमारी वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस पार्टिकुलर मॉडल की डिटेल्ड अनबॉक्सिंग, उसके बाद आपको प्राइस भी बताएंगे और आप कहाँ से खरीद सकते हो, कैसे ले सकते हो, कैसे बाय कर सकते हो, वो भी आपको डिटेल में बताने वाले हैं। इसके साथ में आपको मॉडल का ही कोएक्सियल स्पीकर जो कि सेम मॉडल के अंदर आता है, और इसके बाद एक डिटेल्ड कॉम्पोनेंट वीडियो और दिखाने वाले हैं। तो कोई भी पार्ट स्किप मत करना, बिकॉज ईच एंड एवरी मिनट इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, सामने की तरफ से बॉक्स कुछ हमारा ऐसा दिखता है जिसके ऊपर मॉरल की ब्रांडिंग दी गई है, और उसके बाद यहाँ पे सुप्रीम इंडिया का एक स्टिकर दिया गया है, जिनको 2023 में पूरे 67 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इंडिया के अंदर। इनके बहुत से प्रोडक्ट आते हैं, लाइक और ब्रांड्स ये लोग करते हैं, लाइक JL ऑडियो है इनके पास, मॉरल है, उसके बाद केमिकल गाइज है, फिर ड्रीवन के प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे ही कई सारे और ब्रांड्स हैं जो मेरे भी नॉन में नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपना एक विजिटिंग कार्ड लगाया हुआ है जिसके बैक साइड में देखो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी नेम दिया हुआ है, जिसको आप स्कैन या फिर टाइप करके आप मेरे को इंस्टा के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखो नाम दिया गया राघव _acoustic_narayanagarh, तो ये डालने पे इंस्टा का पेज आपके पास आ जाएगा और आप बेझिझक फॉलो कर सकते हैं नए अपडेट्स, नए ऑफर्स के लिए, क्योंकि उस पेज के ऊपर हम डेली बेसिस पे नए ऑफर और प्राइसेस वगैरह और नए प्रोडक्ट्स के साथ डालते रहते हैं। तो आप फॉलो करना मत भूलिएगा। और नीचे की तरफ देखो यहाँ मैक्सिमो 6 MK2 6.5 टू वे कॉम्पोनेंट सिस्टम की ब्रांडिंग दी गई है। अगेन बॉक्स की लीड के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा MRP का स्टिकर है जिसके ऊपर जुलाई 2023 की मैन्युफैक्चरिंग डेट है, और ओरिजिन हमेशा चाइना ही रहेगा ड्यू टू कॉस्ट कटिंग। 9,990 की MRP दी गई है, और प्राइस जानने के लिए आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, अदरवाइज बने रहिए इसी वीडियो में, आपको बताया जाएगा इस पर्टिकुलर मॉडल का प्राइस। पीछे की तरफ से बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं दिया गया, पर साइड की तरफ से अगर देखो सेकंड लीड के ऊपर तो IAC कोड और सीरियल नंबर वगैरह यहाँ पे दिया गया और क्वांटिटी बताई गई है। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने के बाद हमें मिल जाता है यहाँ पे मॉरल का एक वारंटी कार्ड जो कि पीछे की तरफ से फुली ब्लैंक है। डेट ऑफ परचेज के बाद इसके ऊपर यहाँ फिलअप करके आपको दिया जाएगा। सेकंड ये मिल जाता है हमें मॉरल का एक स्टिकर जो कि यूज़र मैनुअल किट के साथ आता है, और एक छोटी सी 2 पेज की, इसको आप डायरी बोल सकते हो या ब्रोशर बोल सकते हो, जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, लाइक ये 90 वॉट RMS का है और 180 वॉट इसकी पीक है, और सेंसिटिविटी वगैरह और साइज़ वगैरह सारा दिया हुआ है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो 2 कॉम्पोनेंट है और ये वेल केस फॉर्म पैकेजिंग में आता है ताकि ट्रांजिट के टाइम कोई भी डैमेज ना हो, और वैसे भी बबल रैप तो हमारे पास होता ही है हर एक पैकेज के ऊपर, तो डैमेज होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो फिर भी लेकिन कंपनी ने अपनी तरफ से पूरा प्रॉपर वेल फॉर्म केसिंग दिया हुआ है। और क्वालिटी की बात की जाए, क्वालिटी बड़ी अच्छी है इस प्रोडक्ट की, और ये सामने से कुछ ऐसा दिखता है। देखो ये मॉरल की ब्रांडिंग है, ये पेपर कोन है और रबड़ कॉयल है, इसके ऊपर एक सीरियल नंबर यहाँ दिया गया है, अगेन सीरियल नंबर यहाँ दिया गया, और पीछे RMS की रेटिंग वगैरह और साइज़ दिया गया, एक स्टिकर मॉरल की ब्रांडिंग के साथ है। क्वालिटी की बात की जाए तो ये प्रॉपर ना एक कोटेड है, इसको रस्ट नहीं लगता, और स्पीकर्स के और कंपोनेंट के कंपैरेटिव में इसके ऊपर एक कोटिंग ऐसी की गई है, देखो अलग से स्पार्कल्स भी दिख रहे हैं जो इसकी क्वालिटी को और ज़्यादा एनहांस करते हैं। तो आप इसको बेझिझक अपनी गाड़ी में लगा सकते हो। जिन लोगों को स्वीट और सुपीरियर साउंड चाहिए ना, लाइक ट्रेबल कम पर मीठी साउंड चाहिए, उनके लिए बड़ा बेस्ट है, और बेस के अंदर तो बहुत ज़्यादा रिच है, बिकॉज इस पार्टिकुलर प्राइस टैग के ऊपर ना कोई और कंपोनेंट तो इसको मात दे ही नहीं सकता, मतलब कंपीट कर ही नहीं सकता। और इसके ना वेव करने की देखो सिस्टम देखो कितना ऊपर नीचे ज़्यादा हो सकता है, तो इसके कारण इसकी बेस ज़्यादा एनहांस होकर आती है। आप इसको किसी भी गाड़ी में लगा सकते हो। इसको लगाने के लिए 2 प्रिकॉशन आपको हमेशा फॉलो करने पड़ेंगे, वो मैं आपको इसी वीडियो के एंड में बताऊँगा। और ये सेकंड कंपोनेंट है, ये भी सेम कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए इनको रखेंगे हम ऐसे, और इसके बाद इसके ट्विटर की बारी आ जाती है जो कि सिल्क डोम ट्विटर है, आप देख पा रहे हो क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है।
और ये पीछे की तरफ से 25 mm 90 वॉट 4 OHM के ऊपर। और ये प्रॉपर प्लग एंड प्ले है, कोई वायर कट नहीं करनी, कोई टेप नहीं यूज़ करनी, सारी थिम्बल वगैरह आपको लगा के इसके अंदर वायरिंग वगैरह सारी दी हुई है वो लगा के आपको ये प्लेस करना है अपनी गाड़ी में। आप इसको डोर्स में भी लगा सकते हो और किसी भी गाड़ी में चारों कॉम्पोनेंट के तौर पर और चारों कॉम्पोनेंट प्लस दो स्पीकर के तौर पर भी लगा सकते हो कॉम्बो के हिसाब से। और आप इसको डायरेक्टली प्लग एंड प्ले बेसिस पे अपने स्टॉक स्टीरियो पे भी लगा सकते हो और आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड हेड यूनिट हो या फिर सोनी पाइनियर या कोई भी अनदर हेड यूनिट हो जो कि यूज़र इंटरफेस मॉडल होगा उसके ऊपर भी आप इसको डायरेक्टली चला सकते हो। यानी कि आप इसको बिना एम्पलीफायर के भी रन कर सकते हो, बड़ी स्वीट और क्रिस्प साउंड इसके अंदर निकल के आती है। और ये इसकी मैग्नेटिक ग्रिल है, इसके ऊपर भी मॉरल की बैजिंग आ जाती है जो कि इसके ऊपर ऐसे लग जाती है। देखो ये गिर नहीं रही, ये प्रॉपर मैग्नेटिक है, आई थिंक मैग्नेट इसके अंदर है तभी ये इसके साथ अट्रैक्ट हो रही है। एनीवेज इसका क्रॉसओवर जो है वो बड़ा छोटा सा आता है जो कि एक इनलाइन क्रॉसओवर हम इसको बोल सकते हैं। तो मेन जो पावर है वो इसके अंदर है, एक हीट सिंक स्लीव है इसके अंदर, एक इनलाइन क्रॉसओवर है जो कि ट्विटर की वोकल्स को फेड कर देता है। जो छन छन की आवाज़ है वो आपकी ट्विटर में निकल के आएगी और रेस्ट जो आपकी वोकल प्लस बेस है वो सारी इन मिड्स के अंदर निकल के आती है। तो क्रॉसओवर का काम यही है कि वो दोनों फ्रिक्वेंसीज को फेड कर देता है। और अगेन इसके अंदर ना कोई वायर नहीं आपने काटनी, देखो वायर इसके अंदर कम से कम भी 1.5-2 मीटर की वायर दी हुई है, आपको ये वायर कट करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्टली आपने जैसे आपकी गाड़ी में ऊपर ट्विटर है और नीचे मिड दिया हुआ है तो मिड की जगह आपने इसको फिट कर देना डायरेक्टली कपलर के अंदर। जैसे आपने मारुति की स्विफ्ट में लगाना है तो एक अलग से कपलर लेना पड़ता है, वो 50 रुपये का पेयर आपको मिल जाएगा कहीं से भी इजिली, वो लगा के प्लग एंड प्ले बेसिस पे लग जाएगा। रेस्ट आपने इसको उसी कपलर के अंदर ये दो वायर्स को टक इन करके और उसके बाद ये ट्विटर आपने ऐसे प्लेस कर देना ऊपर जहाँ पे आपका लैच होता है, सॉरी डोर का आपका सैच होता है लगा हुआ उस जगह पे, उस प्लास्टिक के पार्ट को सैच बोलते हैं। तो या फिर कह सकते हो कि स्पीकर की पॉड वाली जगह पे, या आपने जहाँ भी ट्विटर को इसको प्लेस करना है उसके लिए वायर वगैरह दी हुई है। और कुछ नीडेड एक्सेसरी लाइक ये यहाँ पे पिलर पॉड दिए गए हैं, अगर आपको थोड़ा सा टिल्ट करके लगाना हो या फ्रंट स्टेजिंग मैच करके लगाना हो तो उस कंडीशन में इस ट्विटर को आप डायरेक्टली ऐसे लगा सकते हो। मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। अगर बात की जाए क्वालिटी की तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये, क्वालिटी हाथ में लेके पता चलती है। खैर मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पता है चीज़ बड़ी गजब है। तो ये कुछ ऐसे लग जाएगा और आई गेस इसके ऊपर एक एक्सेसरी शायद और लगेगी। एग्जैक्टली कोई एक्सेसरी शायद से नहीं लगेगी इसके ऊपर, बस ये ऐसे लग जाएगा और ऐसे लगने के बाद में ये इसकी ग्रिल लग गई। देखो क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। और ये आपका टिल्ट हो गया किसी भी एंगल से ऐसे टेढ़ा करके, आप फ्रंट स्टेयरिंग के तौर पे इसको वहाँ पे अपनी गाड़ी के पिलर्स में या डोर सैच के ऊपर या डोर पैनल के ऊपर फिक्स कर सकते हो विद दो स्क्रूज, ठीक है। और इसके साथ में इसकी थिम्बल्स वगैरह अगेन जो आपको टक इन करने के लिए स्पीकर को लगाने के लिए चाहिए होती हैं, और इसके स्क्रूज हैं स्पीकर का मिड लगाने के लिए। और अगेन जो अगर आपने डायरेक्ट फिट इसके ट्विटर से लगाने हैं तो उसके लिए सी शेप की इसके अंदर दो पत्तियां दी होती है ताकि आपका मिड ट्विटर उसके अंदर रुक सके। सैच के अंदर लगाने के बाद ये पत्ती लगा के ट्विटर आपका रुक जाएगा। और इसको लगाने के लिए जो दो प्रिकॉशन आपने ध्यान रखनी है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये सिलिकॉन रेन गार्ड आता है बेसिकली, ये भी ना ड्रीवन ब्रांड का है जो कि सुप्रीम की तरफ से ही आता है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ड्रीवन लिखा हुआ है, देखो ड्रीवन कार एक्सेसरीज। तो ये भी एक जेन्युइन प्रोडक्ट है, प्रॉपर सिलिकॉन है, आप इसको जैसे मर्जी मोड़ तोड़ लो ये ख़राब नहीं होने वाला, इसकी शेप वैसी रहेगी। और प्रिकॉशन नंबर वन, जब भी आप ये कंपोनेंट लगाने जा रहे हो तो आपने ये सिलिकॉन रेन गार्ड ज़रूर लगाना है क्योंकि यही एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट है या पार्टिकुलर नीडेड एक्सेसरी है जो आपके कॉम्पोनेंट या मिड बेस या स्पीकर को वाटर डैमेज से बचाएगा। तो आप देख पा रहे हो उसको लगाने के बाद अगर पानी यहाँ गिरता है तो आपके स्पीकर के मैग्नेट या कोन या फिर अंदर कॉयल है उसको डायरेक्टली पानी हिट नहीं करता है तो ये उससे बचाता है। और सेकंड प्रिकॉशन ये लेना है आपने कि जब भी आप इसको लगा रहे हो तो ये एक्सेस जो ये फालतू दिया हुआ है ना रबड़ का पार्ट या सिलिकॉन का, ताकि आपका छोटा बड़ा एरिया हो जहाँ भी लगाना है,
तो उस एप्लीकेशन के दौरान आपने इसको कट नहीं करना, आपने जैसे इसको फोल्ड कर देना है ऐसे। अभी मैं आपको फोल्ड करके दिखाता हूँ, तो आप इसको इजीली ऐसे फोल्ड कर सकते हो, तो इसकी डेप्थ कम हो जाएगी। ऐसे ही ऊपर की तरफ से भी आप इसको डायरेक्टली फोल्ड कर सकते हो, तो ऐसे ही इसकी फ्रंट से डेप्थ कम हो जाएगी, तो ये आपको डोर को टच नहीं करेगा। ऐसे लगाने के बाद में ये ऐसे फोल्ड हो गया, तो ये छोटा हो गया। आप इसको काटना मत, काट के तो ये बेकार करने वाली बात है चीज़ को। तो आप इसको सेकंड फोल्ड भी कर सकते हो, लाइक आपने जैसे यहाँ पे पहला फोल्ड किया है, तो इसको आपने ओपन करना ऐसे। ओपन करने के बाद आपने इसको सेकंड लाइन से ऐसे फोल्ड कर देना, और सेकंड लाइन से ऐसे फोल्ड करने के बाद ये ऐसे लग जाएगा, तो इसकी डेप्थ कम हो चुकी है। पर इसको काटने की गलती मत करना, पैसे वेस्ट करने वाली बात है। तो यही फर्स्ट और सेकंड प्रिकॉशन थी, और यही था हमारा मॉरल का कंपोनेंट। तो चलिए इस वीडियो को थोड़ा सा और लंबा करते हुए आज आपके लिए मॉरल का स्पीकर भी दिखाया जाएगा। पहले मैं इसकी पॉलिथीन वगैरह सारी इकट्ठी कर देता हूँ, और ये रहा हमारा मॉरल का स्पीकर, जो कि मैक्सिमो 6 कोएक्सियल आता है, MK2 मॉडल। ये भी सेम 6.5 इंचेस है, लाइक ये जैसे हमारा यहाँ पे कंपोनेंट था, और ऐसे ही एक स्पीकर है। तो मैं आपको जस्ट बाकी सारा बॉक्स वगैरह सेम है, जस्ट इसका MRP मैं आपको दिखा देता हूँ, 7990। और फ्रेंड्स, कोई भी इनमें से आइटम लेने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारे स्टोर को डायरेक्टली, जो कि आपको उसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऑर्डर करने के लिए आप हमारे वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, carconceptshop.com पे, जहां से आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं, और बड़े ही अच्छे प्राइस में आज आपको ये प्रोडक्ट दिया जाएगा। तो प्राइस दोनों का रहने वाला है, जो कॉम्पोनेंट है हमारा, यानी कि ये वाला मॉडल जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया, दैट इज़ फॉर 5000 प्लस शिपिंग। और अगर बात की जाए कोएक्सियल स्पीकर की, तो 4500 प्लस शिपिंग, तो ये इसका प्राइस होने वाला है। और आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ पहले इसका सेम वही वारंटी कार्ड, ये वाला, और उसके बाद ये मॉरल का स्टिकर है, और अगेन इसके साथ एक यूज़र मैनुअल, जो कि दो पेज की आप मैनुअल कह लो, ब्रोशर कह लो, व्हाटएवर। और इसके अंदर स्क्रूज वगैरह मिल जाते हैं, अगेन इसको लगाने के लिए थिम्बल सेट और स्टिक स्लीव्स वगैरह। तो ये मेन हमारा जो है ये ड्राइवर है, जिसके अंदर ट्विटर 3 इनबिल्ट आता है, दैट इज़ कोएक्सियल स्पीकर। तो इसके अंदर यहाँ ट्विटर आएगा, और ये पीछे की तरफ से सेम वही है, और अगेन ये 80 RMS का है, जबकि हमारा कंपोनेंट जो था वो 90 RMS का था। इन दोनों को भी आप डायरेक्टली लगा सकते हो, लाइक फ्रंट स्टेजिंग के तौर पे आप कंपोनेंट लगा लो अपनी गाड़ी में, रियर स्टेजिंग के तौर पे आप कोएक्सियल स्पीकर लगा सकते हो। तो ये कॉम्बो सेटअप हो गया, कॉम्बो सेटअप। इस प्राइस रेंज के अंदर कोई और प्रोडक्ट इसको मात नहीं देने वाला, ये गारंटी है। और जिन लोगों को स्वीट एंड क्रिस्प साउंड चाहिए, या फिर बेसी साउंड चाहिए, लाइक बेस मीठी मीठी आनी चाहिए, उनके लिए बड़ी बेस्ट चीज़ है। और अगेन इसको लगाने के लिए भी प्रीवियस के दो प्रिकॉशन आपको फॉलो करने हैं, अदरवाइज़ अगर आप इसको डायरेक्टली लगा भी देते हो, तो ये स्पीकर थोड़े टाइम में ख़राब होना शुरू हो जाएगा, और ये आपको दिक्कत देनी शुरू करेगा। तो पीछे की तरफ से जो यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह, वो ऊपर की तरफ दिया गया है। अगेन ये कोई स्पार्कल कोटिंग है इसके ऊपर, जो कि रस्टिंग से इसको बचाती है, प्रॉपरली रस्ट प्रूफ ही है ये। और सामने से इसका ये पेपर कोन है, और रबर ट्यूब कोन है, और बीच के अंदर ट्विटर दिया हुआ है मॉरल की ब्रांडिंग के साथ, और ये भी सिल्क डोम ट्विटर है, कोई नॉर्मल ट्विटर नहीं है। ऐसे ही हमारा दूसरा मॉरल का स्पीकर है कुछ ऐसा। तो जो कंपोनेंट है हमारा वो 5000 प्लस शिपिंग है, और जो स्पीकर है हमारा वो 4500 प्लस शिपिंग है। बट ये प्राइसेस जो है आज इस वीडियो से लेके 4 दिन तक ही वैलिड रहेंगे, यानी कि सितंबर एंडिंग तक, इसके बाद प्राइसेस फिर से चेंज हो जाएंगे। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आज ही हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो। और अगेन एक कस्टमर की डिमांड थी हमारे पास कि JL का कंपोनेंट दिखने में कैसा है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये है हमारे पास JL का कंपोनेंट, जो कि सामने से बॉक्स ऐसा दिखता है, और इसकी MRP वगैरह जो है ये पीछे 15990, और ओरिजिन चाइना, JL ऑडियो USA, ये सारा कुछ दिया हुआ है। इसकी डिटेल्ड अनबॉक्सिंग मेरे चैनल पर डली हुई है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लेने के लिए सेम वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, carconceptshop.com। और अगर आप हमारे नियर बाय एरिया से देख रहे हो, तो आप हमारे स्टोर को भी विजिट कर सकते हो, जिसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ दिखता कैसे है, एक यूज़र मैनुअल प्लस एक वारंटी कार्ड, और सामने से इसके दो मिड्स हैं,
दो ट्विटर हैं और दो इनलाइन क्रॉसओवर आते हैं, वो इसके अंदर हैं। मैं सिंगल आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये सारे टेप में पैक्ड होते हैं, तो कुछ ऐसे यहाँ पे इसका क्रॉसओवर निकल के आता है। तो ये इसका क्रॉसओवर है। तो डिटेल्ड अनबॉक्सिंग के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, अभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्रेस कर लेना बेल आइकन को, क्योंकि यहाँ पे नए नए प्रोडक्ट्स और नए ऑफर के साथ आते रहते हैं। तो मिलेंगे बहुत जल्द ही एक नई वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा।